नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने दो अलग मामलों में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी करने वाले जुजार गिरोह के एक सदस्य व 5 तस्करों को किया काबू। संगरूर रेलवे स्टेशन पर कोरियर कंपनी के कर्मचारी से 1,75,00,000 के सोने की लूट करने वाले के आरोपी को बठिंडा पुलिस ने किया काबू। लूट का सोना किया बरामद। खन्ना के कस्बा पायल में सहकारिता विभाग के सुप्रिटेंडेंट ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पत्नी से चल रहे विवाद के कारण था परेशान। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राज्यीय हथियारों की तस्करी करने वाले गैंगस्टर सिमरनजीत सिंह उर्फ जुजार गिरोह के एक सदस्य को पिस्तौलों सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान मानक सिंह उर्फ सनी निवासी संत नगर टेम्पल कॉलोनी सुल्तान विंड अमृतसर के तौर पर हुई है। ये आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार लाकर पंजाब में गैंगस्टर्स व गलत तत्वों को सप्लाई करता था। आरोपी के पास से 4 पिस्तौल, .32 बोर, 5 मैगजीन, 10 जिंदा रौंद भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वहीं एक और मामले में नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 5 नशा तस्करों को काबू किया गया है, जिनके पास से 17,000 के लगभग नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद हुए हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मेजर सिंह और प्रिंस है। उन्होंने कहा कि पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जुझार दा भाजी जो जेलों के जाते हैं जी और बाहर रहेंगे है, गैंगस्टर्स का आपस क्रिमिनल का नैटवर्क बन ही जाता है। और आप जिमें पहला देखते हैं कि जेल के बहुत सारे कनैक्शन बन जाते और उतों अपने अगे नवे साथी कंपलेस जोड़ लेंगे। नहीं भाई साहब, गल है ना, एक मैसेज देने दे बड़े तरीके होंगे ने, तुहानू पता है पहला भी बहुत सारे क्रिमिनल इदा फड़े गए हैं और किस तरह इन्हों का अगे तो अगे एक संपर्क किया होंगे, थर्ड बंदा होंगे, वो सारी गल असी अजे वेरीफाई कर रहे हैं। किस तरह मैसेज आया जा किस तरह इन्हों का कम्यूनीकेशन होया, जो कि जेल अथॉरिटीज़ ना भी टेकअप किया जाएगा। वो बार बार रिपीटर उस गल दे विच आ जांदे, स्पैशली जिहड़े हीनियस क्राइम च बंदे बाहर आउंदे आ तां उहनां दे नवें अकंपलिस बन जांदे, जिवें आपां पहलां डिस्कस कीता। बट डेफिनेटली साडा काम है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, दोनों के प्रिवेंटिव दे विच ये मेजर बहुत असी फोकस में रखिया होया। सैकेंड जिहड़ी प्राप्त की हुई है उहदे च साडे CIA दे दोनों विंग्स, पहला मैं बिंदर सिंह का गलती ना किया गया, वो पहले वाला सिंथेटिक ड्रग्स मोलकदीप CIA वाला वन का काम सीगा। सैकेंड जिहड़ा ये आर्म्स का गैंगस्टर्स का एक जिहड़ा मोड्यूल है उन्होंने असी बस्ट किया, उहदे च 4 पिस्टल .32 बोर दे ते नाल कार्ट्रिजेस असी बरामद किए हैं, जो कि एक लोकल बंदा हैगा मानक इतों का थाना सुल्तान विंड का, यदी गिरफ्तारी दे विच ए तो बरामद किए गए ने, जो मुढ़ली पुछगिछ पता लग्या कि मध्य प्रदेश तो लैके आ रहा सीगा ये। ते उस तो डिटेल जो असी ज़्यादा गए उस पता लग्या कि एक गैंगस्टर हैगा सिमरनजीत सिंह उर्फ जुजार, ये संगरूर जेल दे विच बंद है, जिहड़ा कबड्डी खिडारी नंगल अंबियां वाले केस दे विच गिरफ्तार होया होया, उहदी डायरेक्शन ते सारा काम कर रहा सीगा। संगरूर के रेलवे स्टेशन पर गत दिनों फिल्मी स्टाइल में दिल्ली से गंगानगर जाने वाली ट्रेन में एक कोरियर कंपनी में काम करने वाले युवक से 2.25 करोड़ रुपयों के सोने की लूट हुई थी। पुलिस वर्दी में आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद रेलवे पुलिस और सिविल प्रशासन की मदद से बठिंडा पुलिस ने लूट के माल सहित एक आरोपी को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस अवसर पर कोरियर कंपनी में काम करने वाले राजू ने बताया कि वह दिल्ली से ज्वेलर्स के लिए सोना डिलीवर करने का काम करता है। वह दिल्ली से ट्रेन में सोना लेकर सवार हुआ था, उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई,
इसलिए वह स्लीपर डिब्बे में चढ़ गया। रात के लगभग 2:45 बजे के आसपास ट्रेन संगरूर रेलवे स्टेशन पर रुकी तो दो लोग जो पुलिस वर्दी में थे उन्होंने उसके साथ बातचीत की और उसकी तलाशी लेने की बात कही, जिसके बाद उसने उनका आई कार्ड मांगा तो उन्होंने अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह नकली है या असली, जिसके बाद उन्होंने उसका फोन छीन लिया। जिसके कुछ मिनट बाद जब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकने के बाद आगे स्टेशन के लिए चलने लगी तो उन्होंने उसे अंदर धक्का दे दिया और उसका बैग लेकर चलती ट्रेन से नीचे उतर गए, जिसके बाद राजू ने अपने कोरियर मैनेजर को टीटी के फोन से कॉल की और अंबाला रेलवे कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी गई, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई, जहां बरनाला रेलवे स्टेशन पुलिस की ओर से आसपास नाकाबंदी की गई, जिसके चलते बठिंडा पुलिस ने एक आरोपी को सोने के साथ पकड़ लिया, लेकिन उसमें से अभी थोड़ा सोना गायब है और बाकी आरोपी गिरफ्त से बाहर है। वहीं संगरूर रेलवे पुलिस के अधिकारी जगजीत सिंह ने बताया कि जैसे ही उन्हें इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने आगे इसकी सूचना बरनाला बठिंडा पुलिस को दी, क्योंकि उन्हें कोरियर मैनेजर ने बताया था कि उस बैग में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, जिसके माध्यम से उन्होंने उसे ट्रैक कर लिया और बठिंडा पुलिस ने सोने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ट्रेन आई है दिल्ली तो, ट्रेन सारी लग रही दिल्ली तो गंगा जाती है, वो ट्रेन तो राजू नाम का लड़का वो को दो बैग से दसन मुताबक उन्होंने सोने के गहने जो उन्हें गंगा लैके जाने से निजी कंपनी से कम करता वो जो वो 2 बजे ट्रेन जो आके रुकी आके जी गल चुटने चलन लगी दसन मुताबक वो बंदे आने के अंदर इंटर गली इंटर होए यदा मोबाइल फोन खोया पहले हूँ खोके जेज पा लिया उस बाद जो दोनों बैग से खोके तो चलती ट्रेन चल पी ट्रेन चलती ट्रेन साल मारते उन्होंने उस बाद ये लड़के ने चलो साढ़े संपर्क आया फिर दस बजे जीपीएस लगे हुआ बच्चे असी बरनाला पुलिस को बठिंडा पुलिस को असी आप ही अपने ना बकायदा एस सी सुखपाल सिंह बरनाले तो बे बकाया इलाके लवाए ने हंडाए भी तपे भी घुड़ सिक जाते रहे असं बड़े पर गड्डी अगे से गड्डी फास्ट से उस तरह से बठिंडे पुलिस तलाक की उन्होंने काबू कर ली। 3 तारीख को करोलबाग से जो लड़का है वो माल लेके चला था सराय रोहिला दिल्ली से ट्रेन में, वो माल पहुंचना था सर ये अपना बठिंडा और गंगानगर दो जगह ब्रांच है अपनी, तो दोनों जगह माल पहुंचना था तो बंदा संगरूर पहुंचा रेलवे स्टेशन, तो वहाँ से कोई लड़का बता रहा था कि दो पुलिस वाले थे वर्दी में थे दो बंदे, उसने धक्का मुक्की की उसके साथ, वो बोले हम लोग पुलिस वाले चेकिंग करेंगे तुम बैग दे अपना, तो उसने बैग नहीं दिया तो हाथापाई की उसके साथ, फिर वो बैग छीन के भागे, उसने फिर टीसी से फ़ोन लिया और उसके फ़ोन से मुझे फ़ोन किया 3:30 बजे रात को करीबन, मेरे को फ़ोन आया बोला ऐसे ऐसी वारदात हो गई है, तो मैंने किसी से अंबाला कंट्रोल रूम का नंबर लिया, मैंने अंबाला कंट्रोल रूम को सूचना दी, उन्होंने यहाँ RPF को SI है यहाँ की मैडम, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि उनकी वजह से लगभग जो है उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने आगे CIA बठिंडा को और अपना ये टोल प्लाजा सब जगह उन्होंने मतलब वो अपने वायरलेस पे सब जगह उन्होंने डिटेल दी कि ऐसी ऐसी रॉबरी हो गई है आप उन बंदों को पकड़ो ऐसे ऐसे बंदे हैं, तो फिर वो CIA ने वहाँ के जो 100 डायल है अपने बठिंडा उनकी वजह से वो माल अपना मिल गया, उसमें 2 पैकेट मिक्सिंग है बाकी पूरा माल मिल गया। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई तो हमने कोई भी देरी ना करते हुए जल्द से जल्द GRP को इन्वॉल्व किया इस केस में, और GRP SHO जगजीत सिंह से हमने बात की थी। जगजीत सर ने अपने ऑफिसर्स को तभी डिप्लॉय किया और हेड कॉन्स्टेबल धर्मेंद्र थे वो हमारे साथ यहीं पर तब बीट पर मौजूद थे प्लेटफॉर्म पर, हम उनको लेके हमने अरेंज किए थे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो बीच में PCR हैं हमारे पास, जो नाके हैं और जो टोल प्लाजा हैं उनके, हमको कान्हाराम रियल टाइम जो उनकी लोकेशन थी वो स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर कर रहे थे क्योंकि उनको लाइव लोकेशन शेयर करना नहीं आता था। जैसे वो हमको शेयर कर रहे थे तो हमको पता लगा कि वो बठिंडा हाईवे की तरफ जा रहे हैं और मे बी वो बठिंडा सिटी में जाने वाले थे। जब हमको पता लगा बठिंडा सिटी में जाने वाले थे तो हमने पहले ही नाके वालों को अलर्ट कर दिया था। जैसे ही उसके बाद जब वो बठिंडा सिटी में पहुंचे
तो उनको वहाँ पे पकड़ लिया गया था और होपफुली सामान भी रिकवर, मटेरियल रिकवर हो गया है, जो कि CIA अभी इस चीज़ की बठिंडा जांच कर रही है। खन्ना के कस्बा पायल में सहकारिता विभाग के सुप्रीडेंट ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान गुरमिंदर सिंह निवासी गुरु अमरदास नगर नजदीक लोधी क्लब लुधियाना के तौर पर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरमिंदर सहकारिता विभाग में सुप्रीडेंट के तौर पर तैनात था और उसकी ड्यूटी पायल में थी। गुरमिंदर का विवाह रमनदीप कौर के साथ हुआ था। उसका एक लड़का और एक लड़की है। गुरमिंदर का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था। इस संबंधी उनका अदालत में केस भी चल रहा है, जिस कारण गुरमिंदर पायल के गांव रानी माचरा में अकेला रहता था। पत्नी से झगड़े के कारण वह काफी परेशान रहता था। इस कारण गुरमिंदर ने रानी माचरा स्थित एक किराए के कमरे में पंखे के साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सिंह सिंह जी, ARO ऑफिस पायल सुपरिटेंडेंट वो जो पोस्टर सी, इसने कल पक्के नाल लटक के सुसाइड की थी है। और इधर अपनी पत्नी नाल लड़ाई झगड़ा चल रहा सी पिछले काफ़ी समय तो, जिस करके तंग परेशान सी, उस करके जिहड़ा इहदी पत्नी दे अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया। फरदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिला पठानकोट, जिसके एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ जम्मू कश्मीर और एक तरफ हिमाचल की सीमा लगने की वजह से सुरक्षा के लहजे से इसे काफी अहम माना जाता है, इसलिए पठानकोट जिले की पुलिस 24 घंटे अलर्ट पर रहती है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस की ओर से जिले की अलग अलग जगहों पर स्पेशल नाके भी लगाए गए हैं और समय समय पर पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। इसी के तहत जिले में ऑपरेशन सील फॉर चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पर बसे गांवों और कस्बों में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को अलग अलग स्थानों पर सफलता हासिल हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि ऑपरेशन सील के तहत जिले के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत अलग अलग सीमाओं के नजदीक बसे गांवों और कस्बों में काफी बरामदगी हुई है। पूरा दिन चलने वाले इस ऑपरेशन में जो भी रिकवरी होगी उसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी जाएगी। DGP पंजाब जी के हुक्मां नाल पंजाब दे विच सील 5 ऑपरेशन चल रहा। इहदे च पंजाब दे ओह 10 जिले इनवॉल्व ने जिहड़े कि एडजॉइनिंग जिहड़ियां स्टेट दे नाल बॉर्डर शेयर करदे आ। सो पठानकोट अजिहा मैं समझदा कि जिला है पंजाब का जिहदे नाल J&K ते हिमाचल दो स्टेटां लगदियां और एक पासे साढ़े इंडो पाक बॉर्डर भी है। सो अज असीं पठानकोट नूं पूरी तरह आसे पासे जिले नूं सील कीता होया। 8 तो साढ़े वड्डे नाके लगे हुए ने जिहड़े इंटरस्टेट नाके ने, जिथों हर आउण ते जाण वाली जिहड़ी ट्रैफिक दे उत्ते वहीकल्स उत्ते सस्पिशियस परसनस, जिहदे च POs भी आ जांदे आ, नशा तस्करी वाले भी आ सकते आ, समाज विरोधी अंसर भी हो सकते आ, हथियारां दी चैकिंग भी उस नाकियां ते हो रही आ। और ये उन्हां कारणां करके इहनूं सील कीता गया। बाकी अज मॉर्निंग 8 बजे तो लैके हुण तकरीबन 11 बजे, 11:15 बजे तक दा टाइम आ। हुण तक असीं 2 PO, एक चोरीशुदा जी वैन हैगी नारकोटिक्स के 2 केस पड़े ने। देखो माइनिंग के उत्ते तो असी ऑलरेडी क्रैकडाउन पिछले तकरीबन 10 दिन तो चल रहा है। माइनिंग के 4 मुकदमे दर्ज हुए आ, उस अणगिणत टिप्पर ट्रॉलीज, हाइड्रोलिक मशीन, JCB मशीन फड़िया जा चुकी और तकरीबन 16 के करीब व्यक्ति गिरफ्तार किए जा सके। जो भी साढ़े सामने यह चीज़ आँदी है फिर नैचुरल कुदरती कानूनी कार्रवाई होगी। दिए तले अंधेरा वाली कहावत उस समय सच हो गई जब होशियारपुर के जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में चल रही कैंटीन ही सरकारी नियमों की उल्लंघना करते हुए पाई गई। इस दौरान कैंटीन संचालक के पास ना तो फूड लाइसेंस था और ना ही कैंटीन में गुणवत्ता वाले सामान का इस्तेमाल हो रहा था। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह ने अपनी फूड सेफ्टी टीम के साथ DAV कॉलेज की भी कैंटीन चेक की। यहां पर ना तो सफाई का प्रबंध था और ना ही कैंटीन मालिक के पास फूड लाइसेंस था, तो वहीं नंगा पड़ा खाना और गंदगी से भरे कंटेनर बदबू मार रहे थे, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कैंटीन मालिक को नोटिस थमा दिया और 7 दिन का समय देकर कहा कि अगर सभी शर्तें पूरी नहीं की गई तो कैंटीन को सील कर दिया जाएगा।
होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। तेरे फ्यूचर ते क्लियर नहीं, किसी ने भरते लाइसेंस तेरे को नहीं है। ये सेक्रेटरीएट है जिते डीसी साहब बैठे आ, सारे एसएसपी ऑफिसर, सारे मुलाजम सारे आ। तू पढ़े लिखे बंदियां फूड दे रहा, फिर पब्लिक इन्नी जिले की आँदी है, तू तेनों चीज़ा इंश्योर करनिया चाहिए सी कि नहीं? इस सुभाष कंटीन ते खड़े ना सेक्रेटरीएट होशियारपुर, मतलब आपां नूं इह चीज़ां दा, तेनों तुझे तो सोशल मीडिया का जमाना है, रोज़ गल्लां पता लग गई कि लाइसेंस लैना कितना जरूरी है। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੇਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਣਾ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੌਂਠੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕੰਟੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਈਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਔਫਿਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫੂਡ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਲਈ। राजस्थान गोगा मेड़ी हत्याकांड में पुलिस द्वारा दो आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें से एक महेंद्रगढ़ के दोंगड़ा जाट का नितिन फौजी बताया जा रहा है। नितिन फौजी लगभग 5 वर्ष पहले फौज में भर्ती हुआ था। गांव वासियों के अनुसार वह अलवर में कार्यरत था और नवंबर में छुट्टी पर आया हुआ था। उसकी शादी जाट बहरोड राजस्थान में हुई। दीपक सर, दीपक जी, जो नितिन फौजी है वो आपके गाँव का रहने वाला है और उसकी कल एक राजस्थान के अंदर जो गोगा मेड़ी हत्याकांड है उसमें गिरफ्तारी हुई है, तो क्या है, किस तरीके का नितिन था और क्या कार्य करता था? सर, नितिन मेरा क्लासमेट था, हम साथ में पढ़ते थे। नितिन बहुत अच्छा था पढ़ाई के अंदर, उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया। आर्मी के अंदर उसने तैयारी की थी, राजस्थान में जाकर वहाँ से अपनी फिजिकल की तैयारी की, उसके बाद उसके आर्मी में ज्वाइन हो गई थी। अब एक साल के पहले उसकी शादी हुई थी, तो पढ़ाई में अच्छा था और कोई वो ऐसे बात नहीं थी, वह एकदम ही पता नहीं क्या उसका ब्रेन वॉश हुआ, क्या हुआ है, अब एकदम उसका नाम आया हुआ है। फिलहाल वो कहाँ कार्यरत था? अलवर ड्यूटी थी उसकी फिलहाल, उससे पहले आरआर थी जम्मू, वहाँ पर था, लगते ही आरआर में आ गए थे उसके। देखो, ये मेरे साथ का ही है, उसका पिताजी हमारे सामने, वो पैदा हुआ हमारे सामने, इतना बड़ा हुआ, बहुत ही अच्छा लड़का था। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़के का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, कैसे उसने ये इस घटना को अंजाम दिया, ये होने वाली बात नहीं थी। तो क्या लगता है कि वो इस तरीके का आपराधिक किस्म की बात जो सामने आ रही है वो कर सकता है या किस तरीके की? नहीं, उस लड़के से इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का कोई हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लड़का ऐसे कर सकता है। किसके थ्रू, किसके चंगुल में आया है, किसके कहने से काम किया है, ऐसे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। संगरूर में इंसाफ न मिलने के कारण बच्चों के अभिभावकों द्वारा स्कूल के आगे धरना लगा दिया गया। गौरतलब रहे कि स्कूल में घटिया और गंदा खाना खाने के कारण 60 बच्चे बीमार हो गए थे और पेपरों के दिन होने के कारण स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद किया गया था। तो वहीं घटिया खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना होने के कारण बच्चों के अभिभावक रोष में आ गए हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट।
ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्ड एसोसिएशन से संबंधित जालंधर मंडल की साधारण सभा की बैठक अखिल भारतीय अध्यक्ष एमएल गुप्ता की अध्यक्षता में केएल सहगल मेमोरियल हॉल जालंधर में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना के साथ हुआ। इस दौरान अमृतसर जोनल मैनेजर प्रवीण गोयल मुख्य अतिथि व सर्कल हेड जालंधर एचएस रंधावा वशिष्ठ अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस बैठक में वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मियों को पेश आने वाली कठिनाइयों के निवारण जानकारियां व विशेष मार्गदर्शन हेतु महासचिव शोखरन प्रसाद सिंह ऑल इंडिया परामर्शदाता के डी खेहरा विशेष तौर पर उपस्थित हुए। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष लखबीर सिंह व महासचिव के आर जैन ने मुख्य अतिथियों व विशिष्ट अतिथियों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पेंशनर्स को पेश आने वाली कठिनाइयों से संबंधित विचार विमर्श भी किया गया। इस अवसर पर अशोक बजाज चंद्र खुराना बीबी धीर आर एल भगत जे के बेरी राजकुमार रतन आर के सेठ के एल कोंडल के आर जैन संजीव ओब्राय ओपी भगत महेंद्र पाल सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जब मुझे आप लोगों से मिलता हूं तो मुझे एक प्रसन्नता अलग टाइप से होती है और आप में जो रिटायरमेंट के बाद मैं ऊर्जा देख रहा हूं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने साथी बैठे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कोई रिटायर हुआ होगा, ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अभी साथी हैं। क्योंकि कई बार मैं मीटिंग करता हूँ, मान लो किसी सर्कल में जाके, इतनी एनर्जी उनमें भी नहीं मिलती जो आप लोगों में एनर्जी। फ्रेंड्स, हम सबको रिटायरमेंट के जो बाद की लाइफ है उसका आनंद लेना चाहिए। क्योंकि कई बार काम करते करते, मान लो मेरे जैसा भी काम करते ये सोचता है यार रिटायरमेंट के अभी कितने दिन रह गए, 5 साल, तो मुझे ये लगता है कि रिटायरमेंट के बाद मजा आएगा। तो हमें ये सोच के चलना चाहिए कि काम हमने बहुत किया, 60 साल तक काम किया, उसके बाद अपनी लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी जो हॉबीज रह गई हैं उसको हमें पूरा करना है। जैसे उन्होंने अश्योरेंस दी है, हम उससे बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे और इस डाइस पे इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि ये जाके लेटर निकालेंगे और इस तरह की बातें हमारे लिए तो बहुत मायने रखती हैं कि किस लेवल का बंदा क्या कह रहा है। सो एक बार गोयल साहब के लिए फिर से तालियां, और हम विश करते हैं कि इनकी नेक्स्ट प्रमोशन एज चीफ जनरल मैनेजर हो जाए। एक बार दिल से दुआ कीजिए ये नेक्स्ट टाइम हमारे बीच आए तो एज चीफ जनरल मैनेजर आए। सर, हमारी बेस्ट विशेष। काफी लोगों की तारीफ भी की गई, जैन साहब की भी की गई, लेकिन जैन साहब को अगर कोई सक्सेस मिली है, कोई ना कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा होगा, वो है मिसेज जैन, उनका नाम ही नहीं लिया गया। अगर वो अपना हाथ खींच ले तो जैन साहब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अच्छा तो अच्छा होता कि उनका भी स्वागत किया जाता। चलो, आज की मीटिंग की 2-3 पिकुलरिटी अच्छी हुई हैं। एक तो लेडीज का प्रेजेंट होना और उन पर 2 वर्किंग कमेटी में मीटिंग में भी गए, और जैसे हमारे लीडर ने बताया कि रांची में सर्कल सेक्रेटरी जो है वो भी लेडी है। पश्चिम बंगाल से अल्पसंख्यक कमीशन के सदस्य नियुक्त होने पर वाहेगुरु जी का शुक्राना अदा करने के लिए सतनाम सिंह अलूवालिया सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरु घर में माथा टेक वाहेगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया तो वही गुरुवाणी का श्रवण भी किया। कोलकाता के सिख नेता और प्रसिद्ध समाज सेवी सतनाम सिंह अलूवालिया को श्रोमणि कमेटी के अधिकारी अमृतपाल सिंह, हरमीत सिंह सलूचा द्वारा श्री दरबार साहिब की धार्मिक पुस्तकें भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतनाम सिंह अलूवालिया ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी का मान मिलने के बाद वे गुरु घर में शुक्राना करने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने वाहेगुरु जी के चरणों में अरदास की है कि उनको मिली जिम्मेदारी पूरी तनदेही से वे निभा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि दास वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन का सिख रिप्रेजेंटेटिव चुनिया गया है, और
जब मैंने पता लग्या, मैंने अनाउंसमेंट हुई, पहली गल सी कि दरबार साहब आके मत्था टेका। तो अज महाराज का शुकराना करन वास्ते मैं इत्थे पुज्या हाँ अपनी फैमिली नाल, और तय दिलो महाराज का शुक्रिया करदा कि यह सेवा दिती है। हुन जब सेवा दिती है तो महाराज दे अगे अरदास करनी है कि जो सेवा बख्शी है वो मैं ठीक से निभा सका, मेरे आशीर्वाद देन कि इन्नी ताकत देन कि मैं सिख पंथ की सेवा और समुचे जी माइनोरिटी जी कम्यूनिटीज़ है उन्हें दी सेवा मैं उत्थे बंगाल से कर सका। और कोशिश करांगा कि जिन्नी देर तक मैं इस पोस्ट से हाँ, मैं हर बंदे कोई भी माइनोरिटी हो, चाहे सिख हो, जैन होए, बुद्धिस्ट होए, मुस्लिम होए, सब दी सेवा दे विच मैं हाजिर रहांगा। नीमा वुमन फॉर्म जालंधर की ओर से जालंधर के एक निजी होटल में CME का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अनुपमा चोपड़ा और डॉक्टर दीपक चावला ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर मेल इनफर्टिलिटी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और एंडोमेट्रियोसिस के बारे में उपस्थित डॉक्टरों को जानकारी दी। इस मौके पर सचिव डॉक्टर मनुप्रिया, डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर रितु बजाज, डॉक्टर वनीता गोस्वामी, डॉक्टर तमन्ना, डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर वनीता चांदना, डॉक्टर रेणु, डॉक्टर कमलजीत, डॉक्टर हरप्रीत, डॉक्टर रेणुबाला सहित नीमा वुमन फॉर्म की सभी सदस्याएं भी मौजूद रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजवीर की रिपोर्ट। आज हम जो मीटिंग हमने करी है वो मेल इनफर्टिलिटी पे करी है नीमा की विमेंस विंग के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें 50% पेशेंट्स जो हैं उनके मेल फैक्टर हो रहा है कि जो हस्बैंड है उसके स्पर्म काउंट कम है। तो ये मीटिंग मतलब एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया हम सब के लिए कि हमें पता चल जाए कि क्यों ये राइस पे है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके इनफर्टिलिटी है तो कभी ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल इज़ एट द फॉल्ट, दोनों 50-50% आजकल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें अवेयर होना चाहिए और एज अ कपल दोनों हस्बैंड वाइफ को जाके क्लिनिक में अपना चेकअप कराना चाहिए। हाँ, आजकल कोई टैबू नहीं है, ये एक अब तो सेलिब्रिटीज़ ने सबने अपना डिक्लेयर कर दिया कि इसका बेबी भी IVF से हुआ, इसका भी, तो इसमें तो कोई घबराने की बात नहीं है। इतनी ज़्यादा बॉलीवुड की मूवीज़ इस चीज़ पे आ रही हैं तो हमें सबको अवेयर होने की ज़रूरत है एंड इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। मैं डॉक्टर सुगंधा, प्रेजिडेंट नीमा वुमेंस फॉरम जालंधर। आज हम चावला हॉस्पिटल के साथ एक स्थानीय होटल में इकट्ठे हुए हैं जिसमें हमने मेल इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रोसिस के बारे में बातचीत की है। आजकल के ज़माने में मेल इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रोसिस बहुत ज़्यादा राइज पे है, और जो कि एक बांझपन का कारण है जिससे बेबीज़ नहीं होते कपल्स को, तो लोग जनरली ये बताते नहीं हैं पर जब हम उनको डायग्नोज करते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं। मतलब चावला हॉस्पिटल के जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं उनके हिसाब से अगर आपको ये कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका निदान है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जिस तरह आजकल हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ ज़्यादा है, हार्ट डिजीज बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, उसी तरह लेडीज़ में एक प्रॉब्लम एंडोमेट्रोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एंड वर्ल्ड ओवर 180 मिलियन वुमेन 180 to 190 मिलियन वुमेन जो है वर्ल्ड वाइड इफेक्टेड हैं। इसमें पीरियड्स के दौरान बहुत सीवियर पेन रहती है, जो पेन होती है तकरीबन पीरियड से 4-5 दिन पहले शुरू हो जाती है और पीरियड्स के दौरान बहुत पेनफुल रहता है, एंड ये पेन पीरियड्स ख़त्म होने के बावजूद भी चलती रहती है। ये इसका एक मेन इनिशियल लक्षण होता है कि जहाँ से हमें पता लगता है कि अंडरलाइंग पेशेंट की एक एक तकलीफ शुरू हो गई हुई है। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ रिलेशन के टाइम पेशेंट को बहुत पेन होती है, देन लेडी जो सी होती है वो इनवेरिबली कंप्लेन कर रही होती है कि धुनी के निचले हिस्से में एक क्रॉनिक पेन जो पूरा महीना चल रही होती है वो रहती है। प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश पर्व को समर्पित महान कीर्तन समागम का आयोजन टांडा रोड जालंधर में करवाया गया, जिसमें सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ का भोग डाला गया, जिसके पश्चात संत बाबा गुरविंदर पाल सिंह जी निर्मल कुटिया वालों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर विधायक बाबा हेनरी और पूर्व CPS KD भंडारी ने
विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गगनजोत सिंह चौधरी, रामकुमार, गुलशन शर्मा, गुरबचन सिंह कथूरिया, सुरेश गर्ग, राजेंद्र शर्मा, दीपक सिंगला, भगवान दास, सतपाल बिंद्रा, रोहित गुप्ता, दलजीत सिंह बेदी, गुरविंदर सिंह, दर्शन सिंह, गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। अज बड़ा खुशी का दिन है। हर साल की तरह प्राचीन त्रिमैनी महावीर मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों असी हर साल गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस से कीर्तन समागम कराईदा है। अज वो दिहाड़ा आ गया है। संगत बड़िया बढ़ चढ़ के नाल आईया ने। ये कीर्तन के साडे निर्मल कुटिया वाले गुरविंदरपाल सिंह जी कीर्तन नाल संगत निहाल करते हैं। साड़ी सारी प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है वो सारा सहयोग दिंदी है। जिवें साडे वीर जी अमरजीत सिंह अमरी मेरे वीर आए हुए ने, रिंकू भाजी आए ने नाल, असीं इन्हां दा बड़ा धन्नवाद करदे हां। श्रद्धा दे नाल असीं हर साल मनाउने हां। असीं कहिंदे हां प्रभु सारिआं ते कृपा रखे। मैं सब तों ज़्यादा शीतल वेद जी दा धन्नवाद करदा, जिहड़े देवी तला मंदिर दे प्रधान वी ने ते दैनिक सवेरा दे संपादक ने। इन्हां नूं जिथे भी असीं फोन करिए आप भी पहुँचते हैं, तो इन्हां दी टीम भी पहुँच के देशों विदेशों दे विच सारियां खबरां पहुँचाउंदे ने। मैं इन्हां दा बड़ा धन्नवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही शुभ दिहाड़ा आ जिहड़ा कि श्री टांडा रोड ते प्राचीन त्रिवेणी महावीर मंदिर वल्लों पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा मनाईदा है। जिहड़े गुरु नानक देव जी सी वो सब दे सांझे पीर गुरु ते महापुरश सीगे। उन्हां ने सर्ब दे भले लई सारा कुछ कीता। इस करके असी बड़े श्रद्धा भाव दे नाल पहली पातशाही गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा मनाईदा आ। इस दे विच सारियां संगतां वध चढ़ के आउंदियां ने, ते इस करके असी सारियां संगतां नूं वधाई दिंदे आ। टांडा रोड दे प्राचीन हनुमान त्रिवेणी मंदिर जी वल्लों बाबा गुरु नानक देव जी का महापुरशां का असी हर साल बहुत बड़ा कीर्तन दरबार कराने हैं, तो बाबा जी सानू शक्ति देन। ये असी इदा ही करवाते रहिए। असी अपने वीर अमरजीत सिंह चावला के
प्यार दे विच इस कीर्तन दरबार नूं करवाउंदे आ जै अज टांगा कोट माता गांगी त्रिवेणी का मंदिर है इत्थे उन्हां दी जिहड़ी मैनेजमेंट कमेटी आउंगा वो कंकू नानक देव साहब का प्रकाश पर्व मंगाया जा रहा है जो कि हर साल इत्थे टांगा कोट की एसोसीएशन और त्रिवेणी मंदिर की प्रबंधक कमेटी रल मिल के मंगाउंदियां बाबे नानक ने जिहड़ा उपदेश सानू दित्ता सी सांझीवालता का ये उस उपदेश को मंगते हुए अच्छ सांझी वालता इकट्ठी करके हिंदू सिख सारे भाईचारा इकट्ठा होकर गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व मना रहा मैं अज जलंधर दी संगतां नूं वधाई देना ते सच्चे पातशाह अगे अरदास करदा ये सच्चे पातशाह जिहड़ी ये कमेटी आ जां जिहड़े टांगा रोड एसोसीएशन व्यापारियों की एक संगठन है वो सारे रल मिल के जिथे गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व मना रहे उन्होंने वधाई है और खास करके जलंधर दी संगतां नूं बहुत बहुत वधाई जिहड़ा एक सांझी वालता का संदेश दिंदा जिहड़े गुरु नानक साहब ने सानू उपदेश किया किरत करो वंग छको मेहनत करो अपनी जिंदगी वो उपदेश नूं असीं मंगीए अपने बच्चों नूं भी गुरु नानक साहब की उपदेशों नाल जोड़िए मैं यही सच्चे पातशाह अगे अरदास करदा भी हे सच्चे पातशाह सारी कमेटी हस्ती वस्ती रहे साडा जिहड़ा जलंधर है अगे नाल ज़्यादा खुशियां मंगाए मैं यही सच्चे पातशाह गुरु साहब अगे अरदास करदा अज जो टांडा रोड त्रिवेणी मंदिर जी वालों बाबा गुरु नानक देव जी के जन्म दिहाड़े दी खुशियां सांझे रूप च मनाईया जा रही मैं सारे ही समाज में सारे ही साढ़े जो वीर आ साढ़े भरा जे कट्ठे हो के उपराला कर रहे हैं मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और मैं परमात्मा अगे यही बेनती करता हाँ भी वध चढ़ के गांह तो भी इदां दा उपराला करदे रहा कर। डॉक्टर विश्वदत्त शर्मा की धर्मपत्नी कमलेश शर्मा जिनका गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया है उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय कमलेश शर्मा को मुखाग्नि उनके बेटे डॉक्टर भरत शर्मा ने दी। इस मौके पर ब्रजमोहन शर्मा, रतन शर्मा, शमशेर सिंह, कुंदन सिंह, मनु बाहरी, डॉक्टर परमिंदर बजाज, डॉक्टर भारत भूषण, डॉक्टर सतीश सिंह, डॉक्टर दिनेश जग्गी, डॉक्टर आशु चोपड़ा, डॉक्टर एनके शर्मा, डॉक्टर प्रवीण गुगलानी, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर जतेंद्र प्रभाकर, संजीव खन्ना, डॉक्टर अलका खन्ना, डॉक्टर रीमा अरोड़ा, हनी कक्कड़, डॉक्टर अमनदीप, डॉक्टर एसपी डालिया, पार्षद शैरी चड्डा, हरीश अरोड़ा, शमशेर, कुंदन, नमिश अरोड़ा, मनु बाहरी, अलका चौहान सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कमलेश शर्मा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जिमखाना क्लब के एग्जीक्यूटिव सदस्य अतुल तलवार की धर्मपत्नी ज्योतिका तलवार जिनका आकस्मिक निधन हो गया है उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक सरबजीत सिंह मक्कड़, पूर्व CPS KD भंडारी, प्रोफेसर विपिन जानजी, पोंटी राजपाल, मोनूपुरी चेतन हांडा, प्रिंस ग्रोवर, प्रद्युम्न जोली, तरविंदर सिंह राजू, करण बजाज, अवतार सिंह गोल्डी, गुरप्रीत सिंह कोचड़, राकेश कुमार, हरिंदर सिंह, तरुण सिक्का, संदीप बहल, सौरभ खुल्लर, जतेंद्र सिंह, बलराज ठाकुर, BS बाबा, गीत रतन खैरा, अजय चोपड़ा, भूपेंद्र सिंह जोली, रविंदर चोपड़ा, जसलीन सेठी, सीमा चोपड़ा, मनमोहन सिंह सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय ज्योतिका तलवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर पुलिस ने दो अलग मामलों में अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी करने वाले जुजार गिरोह के एक सदस्य व 5 तस्करों को किया काबू। संगरूर रेलवे स्टेशन पर कोरियर कंपनी के कर्मचारी से 1,75,00,000 के सोने की लूट करने वाले के आरोपी को बठिंडा पुलिस ने किया काबू। लूट का सोना किया बरामद। खन्ना के कस्बा पायल में सहकारिता विभाग के सुप्रिंटेंडेंट ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पत्नी से चल रहे विवाद के कारण था परेशान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए
ਹਲਚਲ।